ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଓ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ଅହିଂସା ରଥ ବୁଲିବା ସହ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେହେରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅହିଂସା ରଥ ସାଙ୍ଗରେ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ପର୍ଶୁରାମ ଛକ ରାମ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ବାହାରି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ହେମାଲ ସଂଘ ଭବନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏନ୍ୱାଇକେଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିକର ଅଭିଜିତ ବୋଷ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଶାଖା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଦେଶୀ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଇତ୍ୟବସରରେ 65ଟି କ୍ଲବକୁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ସହ ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ସାଂସଦ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସର ପର ନେହେରୁ ଯୁବା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। स्टेट डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र संगठन आज आए थे यहाँ, अभिजीत बोस बाबू, और यूथ क्लब्स को हम लोग ने किट बांटा। ये बहुत शुभ दिन है, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का जन्म दिवस है, शास्त्री जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, तो इतने बड़े बड़े देश के स्वर्गीय लीडर्स जिन्होंने कितना कुछ भारत के लिए किया, गांधी जी तो भारत के लिए हमारी स्वतंत्रता दिलवाए, और आज जो मॉडर्न इंडिया गठित हुआ है वो गांधी जी का योगदान है। और इस दिन हम यूथ को इंस्पायर करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया कि नेशन बिल्डिंग में यूथ एम्पावरमेंट एंड उनका अपना स्किल डेवलपमेंट करके वो किस हिसाब से नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं, यही हमारा मकसद। आज परम सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो फिट इंडिया मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू किया, उसका अंक हिसाब में आज इधर में हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट में 65 यूथ क्लब को स्पोर्ट्स मटेरियल बांटा। इसका पहले 25 सितंबर में दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन में भी हम लोग 65 यूथ क्लब को स्पोर्ट्स मटेरियल बांटा, लेकिन ये शुरुआत है। हम लोग बलांगीर का, काटाबंदी का यूथ का ऊपर भरपूर विश्वास है, और हम लोग उम्मीद है आने वाला दिन में इधर का यूथ नया काटाबंदी तैयार करने के लिए नेहरू युव केंद्रों का लीडरशिप में माननीय संसद का मार्गदर्शन में हम लोग और नया नया कर्मसूची लेके नया काटाबंदी गठन कर पाएंगे। जम्मू काश्मीर रे धारा 370 ओ 35 ए उच्छेद प्रतिवाद रे गुणपुर सीपीआई एमएल पक्षर प्रतिवाद शोभायात्रा। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗୁଣପୁର ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ବାହାରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଧାରା 370 ଓ 35 ଏ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରତିବାଦରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ 8 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବନ୍ଦୀ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଖଲାସ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଦମନ ନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଦମନ ନୀଳା ଚଳିବ ନାହିଁ, ଖଲାସ କରିବା ଆମର ଦାବି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିବା ଆମର ଦାବି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍ ଲିବରେସନ ତରଫରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 370-35 ଧାରା ଉଠେଇକିରି 60 ଦିନ ଆଜି ପୁରିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶ୍ମୀରରେ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଜି 60 ଦିନ ଧରିକିରି ଗିରଫ କରି ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି, ତାହାର ମୁକ୍ତି ପରେ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଲୋକଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ନାଗରିକ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପରେ
आज आम संहति दिवस पालन करछु। बलांगीर जिला कंटामांझी विधानसभा क्षेत्र में विजु जनता दल पक्ष जनसंपर्क पदयात्रा और सभ्य संग्रह अभियान आरंभ हो जाए। अक्टोबर 2 रु आरंभ हो 31 तारीख पर्यंत चलो। यही जनसंपर्क मेला जिला साधारण संपादक फिरोज खां नेतृत्व में होता बेले सहररु आरंभ करी विभिन्न ग्रामांचल को जीवार व्यवस्था करा कार्यक्रम अनुष्ठित सभा रे नवीन पटनायक नेतृत्व में बीजेडी दल गरीब लोकों पर लागू करथिबा विभिन्न योजना विषय रे संपादक फिरोज खां उपस्थित जनता को अवगत कराइथिले। एही पदयात्रा माध्यम रे साधारण लोकों पाख को जाई तांको समस्या बुझिबा सह बीजेडी को आगामी दिन में संपूर्ण मजबूत करा जिबा बोली लक्ष्य रही प्रकाश पाई। बिनिका बस स्टैंड ठारे 48तम सार्वजनीन दुर्गा पूजा अवसर में रावण राज तृतीय दिवस सरी एथिरे प्रसिद्ध कलाकार गोपाल पंडा रावण भूमिकार अभिनय करुवा देखा मिलता। यह मनोरंजन कार्यक्रम देखा बेस भिड़ जमी महाराज रावण निमंत्रण क्रमे बिनिका अतिरिक्त तहसीलदार राकेश कुमार अग्रवाल पैक्स सभापति संतोष पंडा पूजा कमिटी उपसभापति ईश्वर महाणा व्यवसायी शेषदेव पाणिग्राही विकास दंडसेना रंजन पात्र प्रमुख अतिथि भाव जोग देते। कार्यक्रम अभिनय करुवा कलाकार अभिनय उपस्थित जनसाधारण मन जिणी नहीं मंच में बिनिका अंचल कलाकार मानपत्र सम्मानित करा जाइथिला।